गुड इवनिंग सभी को। अभी अभी जो है आप ये देखिएगा तो लेटेस्ट आपका जो है रेलवे मंत्रालय का नोटिस आपका यहाँ पे आ चुका है, जो आपका टेक्नीशियन का भर्ती के बारे में आपका स्पष्ट बताया गया है कि कब से आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपका कब से फॉर्म फिलअप होगा, एज में छूट मिला है या नहीं मिला है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो एज में छूट मिला है या नहीं मिला है इसके ऊपर भी जो है आपको स्पष्ट इसमें दिखाई देगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन, उसके बाद आप देखिएगा कितना आपका फ़ी लग रहा है, तो हर चीज़ इसमें आपका डिटेल से दिया गया है। चलिए ज़रा सा हम लोग इसको देखते हैं। ये आपका शॉर्ट नोटिस अभी आपका जस्ट आया हुआ है, इसको अगर हम लोग देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से सेंट्रलाइज्ड CN02/2024 इसका नंबर दिया गया है, जो कि आपका आज ही है। रिक्रूटमेंट फॉर द किसके लिए है, टेक्नीशियन के लिए है। ओपनिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन कब आपका होगा, तो 9/3/2024 से आपका फॉर्म भराएगा, और क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन 8/4/2024 से आपका जो है एंडिंग डेट है, मतलब 9 तारीख से लेके 9 मार्च से 8 अप्रैल तक आपका फॉर्म भराएगा। यहाँ पे सबसे अधिक जो सबका डाउट आ रहा था कि सर एज में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो नेम ऑफ द पोस्ट, दो पोस्ट है, एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 एंड सिग्नल, और दूसरा है टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 5। यहाँ पे आप देख लीजिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 है तो स्वाभाविक है पेमेंट आपका ज़्यादा रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड इसके लिए B1 है, इसके लिए जो है डिटेल्स आपके नोटिफिकेशन में आएगा। उम्र में जो छूट का जो रहा बात, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का 18 से 36 बरस, मतलब जनरल का है आपका, OBC का है तो 3 साल का छूट मिलेगा, SC का है 5 साल का, ST वाले को 5 साल का। वैसे ही अगर देख लिया टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 18 से लेकर 33 साल तक, मतलब अगर OBC है आप तो 18 से 36 साल तक, तो 3 साल का आपको छूट जो है इसमें भी टेक्नीशियन में भी आपका दिया गया है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का अगर देखें हम लोग तो आपका टोटल वैकेंसी है 1100, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का देखें तो 7900 के करीब है। टोटल आपका जो देख लिया टोटल वैकेंसी टेंटेटिव है आपका 9000 के करीब में आपका। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और GK करना बहुत ज़रूरी है, और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के अगर चैप्टर वाइज टाइप वाइज में अगर मैथ मिल जाए, और सेम इसी तरीके से रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको मिल जाए, और 27000 प्लस फैक्ट्स के रूप में सार संग्रह के रूप में आपको ये किताब मिल जाए, तो आपका जो भी एग्ज़ाम है, चाहे ALP का भी आने वाला है, RPF SI आने वाला है, कांस्टेबल आने वाला है, GE आने वाला है, ग्रुप D NTP, सभी के क्वेश्चन इसमें करके कवर किए गए हैं, और TCS PYQ सारे के सारे इसमें दिए गए हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिए, ये आपके बहुत कारगर रहेगा। 9000 के करीब में आपका ये जो है अप्रोक्स है, पूरा डिटेल्स आपका सब कुछ जो है उसके अंदर आ जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। एज कब तक आपका रहेगा, अच्छा, डिटेल्स ऑफ CN विल बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल वेबसाइट पे 9/3/2024 को आपका जो है आ जाएगा, मतलब 9 मार्च को ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आएगा, और उस दिन से आपका फॉर्म भी भरा रहा है। एज में छूट 1/7/2024 तक आपका जो है एज इतना तक लेना है, बाकी आप लोग सब कुछ देख ही रहे हैं। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका CN में जो आपका रहेगा फुल डिटेल से हम आपका जो अलग से डिजिटल बोर्ड में हम आपका ला देंगे, अभी हम आपका पटना में नहीं है, इसलिए हम आपका ये अभी आपका शॉर्ट में नोटिस दे दिए हैं, बाकी आपका कल हम डिटेल से ला देंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोग का डिटेल से आ जाएगा, सब उसके अंदर है। आगे चले हम लोग तो SC ST का OBC का जैसा छूट मिलता है, यहाँ पे लेके मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT होगा, सभी को पता है, सबका मन में डाउट है कि CBT 1 होगा या CBT 2 होगा या केवल CBT 1 होगा, इसके ऊपर डिटेल से आपका एक तो कन्फर्म है कि CBT होगा आपका, लेकिन आपको याद रखिए CBT 1 CBT 2 दोनों होगा आपका, ठीक है। चलिए अगर आगे हम लोग चले यहाँ पे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे 500 रुपया फ़ी लग रहा है, और 250 रुपया इसका जो है आपका जो है SC ST के लिए, 500 रुपया जनरल के लिए है। आगे अगर चले एलिजिबिलिटी आपका इस हिसाब से आपका जस्ट अभी जो है एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आपका जो है ये जारी कर दिया गया है, बाकी आपका क्या राय होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और आप क्या इसके लिए एलिजिबल है, आपका उम्र कितना है ये आप बताइएगा, और एज का जो आप जो रहा झंझट की 3 साल का छूट आपको दे दिया गया है, तो आप क्या टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है, टेक्नीशियन का फॉर्म आप क्या अप्लाई करिएगा, इसके बारे में आप बताइएगा क्या राय होगा, वीडियो का अंत में आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद सभी को।